जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बार फिर से बिहार सरकार की बेशर्मियों को बताने के लिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात करने वाली हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को क्या हो गया है, हमारे बिहार के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनका क्या अपराध है, उनको सामने आकर के ये बता देना चाहिए कि क्या बिहार में पैदा होना अपराध है, क्या बिहार में पैदा होना गुनाह है। जो आप बीएसएससी के 9 लाख परीक्षार्थियों को इस कड़कड़ाती ठंड में जो तकलीफ दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप 400 किलोमीटर दूर सेंटर भेजते हैं, उसके बाद वहां तुगलकी फरमान की जूता नहीं पहन करके जा सकते हैं, चप्पल पर जाना होगा, उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बावजूद क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी यह है कि सबसे पहले 400 किलोमीटर दूर सेंटर गया, इस कड़कड़ाती ठंड में जूता नहीं पहन के जाना है। तीसरा बात यह कि पेपर लीक हो जाता है, सरकार कहती है पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर आयोग खुद कहती है कि पेपर लीक हुआ है, एक शिफ्ट का हुआ है और कैंसिल होता है और 2 शिफ्ट का कैंसिल नहीं होता है। ये बताइए साहब कि यदि 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, 1 दागदार हुई तो 2 साफ हुई, इसकी क्या दावेदारी है और ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये पूर्णतः साफ हुआ है। उसके बाद आप इस कड़कड़ाती ठंड में छात्रों को उनके बुनियादी चीज़ों के लिए, जो कि आपको खुद कर देना चाहिए था अगर आप में थोड़ी भी नीति नियति के नाम पर लोक लाज बचा हुआ था, तो आपको खुद ये कर देना था कि एग्जाम 3 शिफ्ट का कैंसिल होगा, फिर से परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया कि परीक्षा कैंसिल करने के नाम पर आपने बकैती कर दी और बकैती करके कल फिर छात्र आंदोलन को विवश हैं। इतना कष्ट छात्रों को क्यों दे रहे हैं, हे मालिक, हे प्रभु, आपसे 10 उंगली जोड़ करके दंडवत प्रणाम है कि बिहार के युवाओं को बख्श दीजिए, बिहार के युवाओं को छोड़ दीजिए, अब तंग मत करिए। ये बहुत रगड़े जा चुके हैं, ये बहुत घसीटे जा चुके हैं, ये बहुत चोट खा चुके हैं, ये बहुत लाठियां खा चुके हैं, अब और इनको तंग मत करिए, अन्यथा ये अगर अपने आप पर आएंगे तो आपकी कुर्सी भी खतरे में हो जाएगी, आपकी कुर्सी भी सेफ नहीं रह जाएगी साहब। इसीलिए हे मालिक, आपसे बस यही अनुरोध है कि बेरोजगारी कोई धब्बा नहीं होता है, बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, बिहार के भी युवाओं की समस्या है। बहुत अच्छा बात किए आप जब चुनाव में आकर के बोले, हम तो तेजस्वी जी को कहेंगे कि बिहार के जितने नौजवान हैं, हम तो आंदोलन में भी जाते हैं, बीएसएससी के आंदोलन में भी गए उस दिन, तो अधिकांश युवा आपके फैन है। लेकिन आपने जो ये घिनौना करतूत किया है, अभी तक बीएसएससी पर आपने मुंह में पान डाल के जो बैठा है, अपने आप को जो छुपा रखा है, इससे आपका भारी नुकसान होगा और आने वाले दिनों में ये आपको दिखेगा भी। इसीलिए हे प्रभु, सामने आइए और सामने आकर के विद्यार्थियों को इस ठंड में कष्ट ना दें और वो रोड पर ना उतरे और आपकी पुलिस उन्हें फिर लाठियों से मार के पानी से ना पटा दे। इसीलिए उससे पहले आप आकर के सामने विद्यार्थियों पर रहम करिए, क्योंकि आप कभी फॉर्म भरे नहीं हैं, आप किसी परीक्षा को दिए नहीं हैं, आपके आपने कोई संघर्ष देखा नहीं है। 400 किलोमीटर बिना टिकट का धक्का मुक्की खा करके कैसे लोग एग्जाम देने जाता है और एग्जाम दे करके आता निकलता है सेंटर से, पता चलता है पेपर लीक हो गया, इस दर्द को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। और अगर महसूस कर सकते हैं या अगर किसी के दर्द को आपको लगता है कि आप थोड़ा भी समझ पा रहे हैं, तो उसको अपने आप उस लड़के के जगह पर खुद को रख कर देखिए और उसके बाद फैसला लीजिए, क्योंकि हम बिहार में पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं है। और हम किसी गरीब घर में पैदा हुए, किसान मजदूर के घर में पैदा हुए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और इसीलिए आपसे सादर अनुरोध है कि आप बड़े घर में पैदा हुए, आप राजा महाराजा के घर में पैदा हुए, आप बड़े बाप के बेटे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के घर में आप पैदा हुए, इसमें आपका पूर्व जन्म का कर्म हो सकता है और हम लोग पूर्व जन्म के पापी आदमी थे, गलती हो गया, बिहार में पैदा हो गए, फिर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, कृपया एग्जाम कैंसिल कर दीजिए और छात्रों को पर रहम करिए, छात्रों को बख्श दीजिए, क्योंकि अब और नहीं रगड़ा जाता है और अब और रगड़ विद्यार्थियों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बेरोजगारी वैसे ही एक अभिशाप है और इस अभिशाप को झेल के समाज में हर जगह लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ता है, और प्रताड़ित ना करिए। अगर हमारी बात आप तक पहुंचे तो कृपया करके रहम करिए, हम आपसे 10 उंगली जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हैं और बिहार के 9 लाख छात्र आपसे आपको इसी मुद्दे पर प्रणाम करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि एग्जाम कैंसिल कर दीजिए और फिर से जांच करवा करके जो दोषी है उसको पकड़ करके साफ सुथरे तरीके से आने वाला सब पेपर का
आने वाले सभी एग्जाम का आप आयोजन करिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी से हम जो भाई देख रहे हैं उनसे भी यही कहेंगे, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर लोग तक यह पहुंचे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को लोक लाज लगे और वो छात्रों के दर्द को समझे और इस ठंड में उन्हें कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन को विवश ना होना पड़े। बहुत सारे लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं है, वो बेचारे फिर भी आंदोलन में जाएंगे। तो कैसे कैसे हालात हैं, बिहार की क्या गरीबी है, बिहार की क्या मजबूरी है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है, इस स्थिति को समझिए और रहम कर दीजिए। इसलिए सभी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।